गाइस दिस इज आनंद, वेलकम टू बेटाहिंट। तो आपके यूट्यूब ऐप में ये सर्वर प्रॉब्लम 400 वाली एरर आ रही है, तो इसको फिक्स करने का बहुत ही आसान तरीका है। मैं कुछ स्टेप्स आपको बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप इसे बिल्कुल आसानी से फिक्स कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि आपके मोबाइल में डेट और टाइम ठीक है कि नहीं। अगर डेट और टाइम गड़बड़ है तो पहले आप डेट और टाइम फिक्स सही कर लो, क्योंकि उससे ये प्रॉब्लम हो सकती है। और एक चीज़ और आप देख लेना कि जैसे आप सेटिंग में जब जाओगे डेट और टाइम चेक करने के लिए, तो यहाँ पे सेट ऑटोमेटिकली जो आप ये देख रहे हो ये ऑन होना चाहिए। और दूसरी चीज़ आपको जो चेक करनी है, ये टाइम जोन जो आप देख रहे हो GMT प्लस 5.5 हमारा टाइम जोन होता है इंडिया का, तो ये चीज़ आप चेक कर लेना कि GMT प्लस 5.5 घंटा है कि नहीं। ठीक है, ये आपको देख लेना सबसे पहली चीज़। सेकंड चीज़ कि आपको डाटा यूजेज को अलाउ करना है, देखना है कि कहीं रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है। इसके अलावा करना क्या है कि यूट्यूब ऐप को थोड़ी देर तक आप दबाए रहोगे तो ये सारे ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे ऐप इन्फो में आपको जाना है। हो सकता है कि देखो मेरा रियलमी का फ़ोन है, तो आपका अगर कोई और कंपनी का है तो ये जो इंटरफेस है ये अलग डिज़ाइन का हो सकता है, तो आपको अपने हिसाब से उस ऑप्शन में चले जाना है। मेरे में ये डाटा यूजेज डिटेल्स यहाँ पे दे रहा है, मैं इसमें जाऊँगा। और यहाँ पे देखो दो चीज़ आपको दिखेगी, डिसेबल मोबाइल डाटा दे रहा है और डिसेबल वाईफाई दे रहा है। मतलब कि अगर मैं इसको ऑन कर दूँ दोनों को तो नेट तो मेरे में मतलब चलेगा, बाकी सारे एप्लीकेशन चलेंगी, लेकिन YouTube मेरा नहीं चलेगा क्योंकि मैंने इस नेटवर्क इसमें बंद कर दिया है। तो ये आपको यहाँ से देख लेना है कि कहीं आप में पहले से ही ये ऑन तो नहीं है, मतलब कि नेट बंद तो नहीं है YouTube ऐप के लिए। अगर ऐसा है तो आप इसे ऑफ कर दो। इसके बाद थर्ड जो हमारा सोल्यूशन है वो ये है कि YouTube ऐप का आपको डाटा और कैसे को क्लियर करना होगा। सेम चीज़ करेंगे, YouTube को थोड़ी देर तक दबाए रहेंगे, यहाँ ऐप इन्फो में आएंगे और यहाँ पे स्टोरेज यूजेज में हम लोग आएंगे। आपका इंटरफेस अलग हो सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हो क्लियर कैसे और क्लियर डाटा दे रहा है, इन दोनों को हमें डिलीट करना है। ठीक है, लेकिन आप जैसे ही ये क्लियर डाटा पे करोगे तो होगा क्या कि आपके YouTube ऐप से हो सकता है कि जो ईमेल आईडी आपका लॉगिन है वो साइन आउट हो जाए, और आपका जो भी वीडियो आपने YouTube ऐप में डाउनलोड किया है, मैं गैलरी वाले और आपके फ़ोन वाले वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, YouTube ऐप में जो वीडियो डाउनलोडेड है वो सारा डिलीट हो जाएगा। लेकिन ये करना जरूरी है इस प्रॉब्लम को ठीक करना है। तो यहाँ से आप दोनों कर लो, क्लियर कैसे और क्लियर डाटा कर लो, और देखो कि आपका प्रॉब्लम ठीक हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, YouTube ऐप को हम लोग अपडेट करेंगे। प्ले स्टोर में जाएंगे और यहाँ पर YouTube लिखेंगे और सर्च करेंगे। YouTube आप खोलोगे और देखोगे कि यहाँ पे अपडेट कोई दिखा तो नहीं रहा है, तो यहाँ पे कोई अपडेट अवेलेबल नहीं है अभी। यहाँ पे एक और चीज़ आप कर सकते हो कि ये देखो अनइंस्टॉल दे रहा है, तो आप एक और काम कर सकते हो कि इसको यहाँ से अनइंस्टॉल कर दोगे तो यहाँ पे अपडेट शो करने लगेगा, तो अनइंस्टॉल करके और फिर आप अपडेट कर लो, ऐसे भी आप कर सकते हो, उससे भी प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। और एक और छोटी सी चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ जो सबसे आप फर्स्ट में ही ट्राई कर सकते हो। होता क्या है दोस्तों कि फ़ोन हमारा बहुत दिनों से ऑन रहता है, ये कभी हम लोग ऑफ नहीं करते हैं बिना ज़रूरत पड़े, तो कई बार फ़ोन को हम लोग सिर्फ रीस्टार्ट कर देते हैं तो इस तरह की छोटी मोटी दिक्कतें सॉल्व हो जाती हैं। तो आप एक और काम कर सकते हो कि सबसे पहले आप अपना फ़ोन रीस्टार्ट करके भी देख सकते हो कि आपकी प्रॉब्लम ठीक हो रही है कि नहीं। आपको शट डाउन नहीं करना है, आपको रीस्टार्ट वाले पे क्लिक करना है ताकि फ़ोन अपने से बंद हो और फिर अपने से चालू हो जाए। ऑल राइट फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। दिस इज आनंद साइनिंग आउट।